किसान आंदोलन को लेकर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर अलर्ट जारी है और चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस बलों की जो संख्या बढ़ाई गई थी वो अब भी पूरी तरह से तैनात है। बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक सामान्य स्थिति में है। फिलहाल बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। हिमांशु शुक्ला और जानकारी देंगे चिल्ला बॉर्डर से लाइव हमारे साथ। हिमांशु, आज शनिवार का दिन है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है आज, हालांकि सड़कों पर गाड़ियों का शोर कम देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है? किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उसके यहां पर धमक दिखाई दे रही है या नहीं? बिल्कुल कंचन, देखिए आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर की, और आप देखेंगे इस तरीके के जो बैनर पोस्टर शुरुआत में लगाए गए थे वो अभी भी लगे हुए यथावत लगे हुए हैं। और धारा 144 की बात कही गई क्योंकि 16 तारीख को, यानी जिस दिन भारत बंद का आह्वान था, उस दिन नोएडा में भी लागू थी धारा 144, 24 घंटे के लिए लागू की गई थी, लेकिन उसके बाद से उसे हटा दिया गया। दिल्ली में अभी एक महीने के लिए लागू है। और इसके अलावा आप देखेंगे बैरिकेटिंग्स कर दी गई है जो ऑलरेडी पिछले कई दिनों से की गई है। जिस दिन पहले दिन आंदोलन का था 12 तारीख को, उस दिन से लेकर अब तक ये बैरिकेटिंग यथावत बनी हुई है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर दिल्ली की तरफ अगर बात करें खासतौर पे, तो पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। जो एक टुकड़ी बुलाई जाती है वो हर दिन बुलाई जा रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई है, लेकिन नोएडा की तरफ ऐसी कोई भी हलचल नहीं देखने को मिल रही है। और आज वीकेंड है, ट्रैफिक भी सामान्य है। फिलहाल आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये दिल्ली का हिस्सा है, दिल्ली की तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो तैनात की गई है। ट्रैफिक बहुत काम है और ट्रैफिक को लेकर कोई भी समस्या है, चुनौती नहीं है। शुरुआती दिनों में ट्रैफिक को लेकर चुनौती जरूर हुई थी क्योंकि उस समय गाड़ियां चेक की जा रही थी और दिल्ली कूच की बात कही गई थी, भारत बंद की बात कही गई थी, लेकिन अभी चीज़ें बेहद बहुत ज़्यादा सामान्य है और ट्रैफिक को लेकर किसी तरीके की समस्या नहीं। हाँ, हालांकि जो बॉर्डर्स है वहाँ पर फोर्स जो है वो दिल्ली की तरफ जरूर तैनात की गई। नोएडा की तरफ भी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, नोएडा की तरफ आपको कुछ ऐसा खास असर देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये नोएडा के साइड की हैं और यहाँ पर अभी स्थिति बहुत सामान्य है, कोई ट्रैफिक इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। लिहाजा ऐसा समझा जा सकता है कि नोएडा पे बहुत ज्यादा असर चल रही है, नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है वो भी लगातार जारी है। हिमांशु शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। इस पर आपको जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश में 19 फरवरी से 22 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लखनऊ में 20 से 22 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करवाने जा रही है, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी 19 फरवरी को लखनऊ में करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए यूपी में कई नई परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है, जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए भारी भरकम निवेश को धरातल पर उतारने जा रही है। उस लक्ष्य को साधने जा रही है जिससे करीब 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सके और यूपी के विकास को पंख लग सके। इसके लिए पीएम मोदी भी 19 फरवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 की तैयारियां अपने उफान पर हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही है। साफ तौर से मेरे पीछे देखें तो राजधानी लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को यहां प्रदर्शित किया गया है। साफ तौर से 14,500 योजनाओं की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 में करेगी। दरअसल 19 फरवरी से 22 फरवरी के बीच होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंच तैयार हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। इस दौरान 14,500 परियोजनाओं की शुरुआत होगी, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश आएंगे,
बुंदेलखंड पर सरकार का खास फोकस है। चित्रकूट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, मुरादाबाद में लॉजिस्टिक्स प्लांट लगेगा और 1,32,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने ईडा को निवेश का लक्ष्य भी दिया है, जिसके तहत कुल 43,750 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतारना होगा, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए निवेश प्रस्ताव में से एक है। हालांकि ईडा ने इस लक्ष्य से अलग 45,148 करोड़ रुपए के निवेश को जमीन पर लाने में कामयाबी पाई है, ये टारगेट के 103% से कहीं ज्यादा है। यानी योगी सरकार अब निवेश के साथ ही यूपी में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही है, जिससे यूपी के युवा प्रदेश में संभावनाएं तलाश सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।